हेलो एवरीवन, आई होप कि दोस्तों आप सभी स्वस्थ एंड तंदुरुस्त जरूर होंगे। उम्मीद तो मेरी यही होगी कि आप रोजाना की तरह स्वस्थ और मस्त होंगे ही होंगे। तो अभी फिर से आ चुका हूँ गांव की आखिरी छोर में, जहाँ पर कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में दिखाया था। इस जगह पर जो आग लगी है वो देखने को मिल रही थी, तो आज भी फिलहाल इस जगह से आग देखने को मिल रही है और इसी जगह पर आया हूँ। सोचा कि थोड़ी देखूँ इस जगह पर आग कितनी बड़ी है, कितनी अंदर तक आ गई है। तो इस जगह पर गाइस अभी आग बहुत ही नज़दीक आ गई है, तो अभी थोड़ी चलते हैं उस जगह पर जहाँ पे कि आग देखने को मिल रही है, तो वो जगह भी दिखाते हैं। बाकी आप चेक कर सकते हैं, अभी सामने से सनसेट होने वाला है। ये देखिए मेरे जस्ट पीछे इस जगह पर अभी सनसेट होगा, तो चलो थोड़ी आगे की तरफ चलते हैं और दिखाते हैं आपको अभी जो यहाँ पे अभी शाम के समय मुझे देखने को मिल रही है फायर उसे। और इस जगह पे आगे की तरफ ना गाइस अभी पिकॉक भी हैं, तो पिकॉक तो मेरे को देखकर भाग रहे हैं, तो उन्हें कवर कर पाना तो थोड़ी कठिन है। हाँ बस यह है कि सामने अभी जो लास्ट किनारा है उस जगह पर थोड़ी फायर देखने को मिल रही है, जो आग है ना वो देखने को मिल रही है। बाकी अभी इस जगह पर देखते हैं अगर हमें कुछ टाइगर के पगमार्क भी यहाँ पे अगर देखने को मिल जाते हैं तो बहुत ही बढ़िया होगा, कि काफ़ी दिनों बाद इस जगह पर हमें फिर से टाइगर के पैरों के निशान देखने को मिल जाए। सो सामने आपको दिखाता हूँ एक मोर नाच रहा है। कहते हैं ना कुछ लोग जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो अभी आपको दिखाता हूँ। एक मिनट फ़ोन का बैक कैमरा ऑन करके गाइस, तो सामने की तरफ अभी पिकॉक नाच रहा है यहाँ पे अंदर। इस जगह पे था पिकॉक, अभी अंदर की तरफ चला गया। थोड़ी मैं आगे चलता हूँ और आगे जाकर आपको दिखाता हूँ, देख रहे हैं? तो देखते हैं सामने से अगर देखने को मिल जाता है तो, क्योंकि नाचते हुए मैंने तो देख लिया उसे अभी। थोड़ी ये जितने भी एनिमल्स हैं ना या पक्षी जो भी हैं, काफ़ी ज़्यादा शर्मीले टाइप के होते हैं। अगर ह्यूमन बींग्स को देख लेते हैं या उनकी आवाज़ें सुन लेते हैं, आप कह सकते हैं जो एनिमल्स की सेंसिंग पावर होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर लेते हैं कि उनके आसपास में किस तरह की एक्टिविटी है या किस तरह के लोग अभी इस जगह पर आ रहे हैं, है ना? तो सामने ये देखिए पिकॉक अभी नाच रहा है सामने की तरफ। ये देखिए पंख फैलाए हुए है और आप इसने मुझे देखा तो पंख नीचे कर दिए हैं, तो देखते हैं अगर ये फिर से नाचता है तो। ये देखिए पंख फैला रहा है वैसे तो ये, मगर ये मुझे देखकर अंदर चला गया जंगल की तरफ। तो गाइस फाइनली आपने एक झलक तो देखी होगी कि पिकॉक नाच रहा था, और सामने इस जगह पर ये देखिए अभी आग लगी हुई है ना, इस जगह पर आग लगी हुई है गाइस अभी। तो चलो अभी इस जगह से हमें एनिमल्स तो देखने को नहीं मिल रहे हैं, तो अभी चलते हैं थोड़ी ऑन वे, और ऑन वे से ही देखते हैं हमें किस तरह की एक्टिविटी देखने को मिलती है। तो अभी यहाँ पे ज़्यादा देर ना रुकते हुए चलते हैं ऑन रोड गाइस। ये देखिए गाइज अभी मैं जैसे कि बड़े पनौत के नाले पे आया, तो इस जगह पर अभी मुझे देखने को मिल गए सांवर डियर, देख रहे हैं? दो इस जगह पर हैं और दो इस पेड़ के पास में हैं, वो तो थोड़ी अंदर की तरफ ये भी हैं सामने। ये देखिए टोटली इस जगह पर चार सांवर डियर हैं, चार सांवर डियर इस जगह पर खड़े हैं, और अभी ये थोड़ी देर में सड़क क्रॉस करके रिवर साइड तक जाएंगे। चार नहीं गाइस, इस जगह पर काफ़ी सारे सांवर डियर है, पूरा का पूरा झुंड है इस जगह पर, आप देख पा रहे होंगे अभी काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी हो रही है इनकी। ये देखिए, ये देखिए गाइस, देख रहे हैं ना कितने सारे हैं। इस जगह पर नहीं भी तो ये छह सांवर डियर है,
नहीं, अभी सड़क क्रॉस करने वाले हैं कुछ ही देर में। तो चलो, अभी ये मेरे इस जगह पे खड़े रहने से मेरे को लग रहा है डिस्टर्ब हो रहे हैं, ये भाग रहे हैं। अभी दो तो सामने इस जंगल की तरफ चले गए हैं और कुछ इस जगह पर खड़े हैं। सो कुछ देर बाद ही सामने इस जगह से, जैसा कि ये नाला जा रहा है आगे की तरफ रिवर की साइड, तो इस साइड से ही फिर वापस कोसी रिवर तक चले जाएंगे और मॉर्निंग में हो सके तो फिर इसी नाले से वापस आएंगे इस तरफ फॉरेस्ट की तरफ। तो चलो अभी चलते हैं आगे की तरफ। तो गाइस, सामने इस जगह पर अभी स्पॉटेड डियर दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए सामने यह है स्पॉटेड डियर, अकेला है अभी। डर भी नहीं रहा, तुमने कहा ही डर भी नहीं रहा, डर गया है तो तुरंत ही। ये चला गया सामने इस तरफ, है ना। तो चलो थोड़ी आगे की तरफ चलते हैं, आगे से भी हमें एनिमल्स देखने को मिल सकते हैं। एक साइड है सावर डियर और एक साइड स्पॉटेड डियर, देख रहे हैं। इस जगह पर है सावर डियर और ठीक मेरे दूसरी तरफ यह है इस जगह पर स्पॉटेड डियर। देख रहे हैं अभी शाम के समय एनिमल्स दिखने स्टार्ट हो गए हैं। देख रहे हैं पूरी तरह से स्टेबल हो चुका है और अभी हमारी तरफ देख रहा है। तो चलो अभी ये भी डिस्टर्ब होने लगा है, ये चला गया फॉरेस्ट की तरफ शायद। तो चलते हैं अभी आगे की तरफ और दिखाते हैं आपको आगे से वाइल्ड एनिमल्स। तो गाइज ये देखिए इस जगह तक आ चुकी है आग, देख रहे हैं। अभी जहाँ से मैं आपको दिखा रहा था तो उस जगह पे तो आग लगी ही लगी है, इस जगह पर भी आग लगी है। वो है डियर सामने बहुत सारे, हाँ सामने इस जगह पे भी काफी सारे डियर्स हैं, मगर ये दूर हैं अभी। ये देखिए इस जगह पर डियर्स, काफी सारे हैं, काफी सारे। और सामने इस जगह पर जहाँ पे की गाड़ी रुकी है, इस जगह पर ये देखिए सांवर डियर दिखाई दे रहे हैं। ये जाने लगे हैं अभी फॉरेस्ट की तरफ। तो आज टोटली मिलाकर ये कह सकते हैं कि शाम का समय काफ़ी अच्छा जा रहा है और इस जगह से हमें एनिमल्स देखने को मिल ही रहे हैं। देख रहे हैं सामने इस जगह पर एनिमल्स हैं। ये देखिए गाइस, एक के पीछे एक अभी सांवर डियर है, शायद ये इसकी मदर है और वो उसका बेबी है आई थिंक। तो ये देखिए, हाँ देख रहे हैं अभी ये इसका बच्चा काफ़ी छोटा है। बट इस जगह पे अभी गाड़ियाँ भी काफ़ी चल रही हैं तो थोड़ी गाड़ियों की साउंड भी आपको सुनाई दे रही होगी, मगर इतने नज़दीक आज एनिमल्स देखने को मिल रहे हैं तो काफी अच्छे लग रहे हैं गाइस। तो सामने अभी इस जगह से भी जंगल में जो पत्ते हैं उनकी आवाज आ रही है और इस जगह पर भी शायद, आपको जूम करके दिखाता हूं। ये देखिए अंदर इस जगह पर भी सांवर डियर है, देख रहे हैं हल्की सी हलचल जरूर आपको दिखाई दे रही होगी।
ये देखिए इस जगह पर सांवर डियर हैं और ये सांवर डियर सामने आगे की तरफ जा रहे हैं। तो ये खूबसूरती है अभी कॉर्बेट से ऑन रोड अभी एनिमल्स देखने को मिल रहे हैं। और सामने ये जो सांवर डियर है ये अंदर की तरफ ये झाड़ियों से होते हुए आगे की तरफ जा रहा है। तो गाइस अभी चलते हैं थोड़ी आगे की तरफ। तो सामने ये सांवर डियर आगे आगे कंटिन्यू सड़क के किनारे किनारे चलते जा रहे हैं, है ना। ये देखिए इसका वे भी ये काफ़ी प्यारा लग रहा है। इसके जो नेक है गला है गाइस, इसके गले में काफ़ी सारे बाल हैं, तो शायद ये मेल हो फीमेल, इसका बच्चा मेल हो सकता है ना, क्योंकि इसके गले में बाल है, लग रहा है थोड़ी ना फीमेल। तो सामने उसकी माँ है, ये देखो किस तरह का इसका जो बॉडी कट है और इसके बॉडी कट में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। और सामने इस जगह पर अभी ये देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए अपने पैरों को कैसे दबा रहा है, गुस्सा कह रहा है भाग जाओ यहाँ से। ये देखिए पैर कैसे दबा रहे गाइस जी। सड़क क्रॉस करने वाला है, ये सड़क क्रॉस करना चाह रहा है, अभी गाड़ी भी आ रही है तो इसलिए सड़क क्रॉस नहीं कर पा रहा है। अरे आगे की तरफ आ जा भाई थोड़ी। ये देखिए उसका बेबी उसे पुश कर रहा है कि चलो सड़क क्रॉस करते हैं आगे बढ़ते हैं, देख रहे हैं उसका बेबी पुश कर रहा है। ये देखिए अभी सड़क क्रॉस करने वाला है, इसीलिए मैं थोड़ी आगे आगे रुक गया हूँ कि ये सड़क क्रॉस करे और मैं आपको दिखा सकूँ इसे सड़क क्रॉस करते हुए। देख रहे हैं सड़क के कितने पास में आ गया अभी। पता नहीं क्या बात है ये हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। टोटली मिला के इसे करनी है सड़क क्रॉस, बट हिम्मत बिल्कुल भी नहीं जुटा पा रहा है। अगर ये अकेला होता तो शायद हिम्मत जुटा लेता इसके साथ में इसका बच्चा, तो इसलिए थोड़ी घबरा रहा है सड़क क्रॉस करने से। सामने और गाड़ी आने से पहले पहले इसे सड़क क्रॉस कर लेनी चाहिए, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि इसके साथ में बच्चा भी है और नीचे से डंपर ट्रक भी आ रहा है। तो ये फाइनली सड़क क्रॉस करने लगा है और इसका बेबी जो है वो सड़क की दूसरी छोर है और सामने से गाड़ी आ रही है।
तो फाइनली इसने तो सड़क क्रॉस कर लिया है। ये देखिए उसकी माँ बिल्कुल भी दूर नहीं जा रही है जब तक वो सड़क क्रॉस ना कर ले। देख रहे हैं इतनी सारी गाड़ी आई उसके बावजूद भी वो इसी जगह पे रुकी हुई है कि वो आए सड़क क्रॉस करे और हम आगे की तरफ जाएं। तो ये देखिए इसका बच्चा अभी सड़क क्रॉस कर रहा है। ये देखिए फाइनली पूरी तरह से ये सड़क में आ चुका है और ये देखिए गाइज इस जगह पे गाड़ियाँ भी रुक गई हैं सांवर डियर को देखने के लिए, क्योंकि इनका एक साथी और अभी जंगल की तरफ है सामने इधर की तरफ, तो वो अभी आया नहीं है तो उसी के इंतज़ार में अभी ये हैं कि कब वो आएगा और कब हम आगे की तरफ नदी की साइड तक जा पाएंगे। सो इस जगह पर गाड़ियाँ रुकनी स्टार्ट हुई हैं तो ये अंदर की तरफ बढ़ गया है। तो चलो अभी हम लोग भी चलते हैं आगे की तरफ। तो गाइज ये देखिए सामने सड़क के पास में आग लगी हुई है यहाँ पर, और इस जगह पे ये आग जलकर बुझ गई है और इस सामने यहाँ पे अभी सड़क के पास में आग आ चुकी है। देख रहे हैं ये आगे पूरे जो ग्रासलैंड दिखता है वहाँ तक जाएगी आग, जहाँ तक है मुझे तो यही लग रहा है जिस हिसाब से आग लगी है। और सामने ये देखिए हमारे सांवर डियर थोड़ी घबरा गया है। आज शाम के समय काफी सारे सांवर डियर देखने को मिल रहे हैं। तो ये सारे के सारे सांवर डियर अभी आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये देखो ये भागकर चला गया क्योंकि इसका जो साथी है सामने इस जगह पे आगे की तरफ अभी आपको देखने को मिल जाएगा। और आपको थोड़ी जूम करके दिखाऊं तो सामने इस जगह पर ये देखिए ये बैठा है लंगूर, देख रहे हैं इस जगह पर लंगूर भी बैठे हुए हैं। तो एनिमल्स के आसपास ही लंगूर बंदर ये सभी देखने को मिल जाते हैं क्योंकि ये इन्हें अलर्ट करते हैं किसी भी आने वाले खतरे से। तो चलते हैं थोड़ी और आगे की तरफ। तो सामने गाइज अभी हमें काफ़ी सारे एनिमल्स देखने को मिल गए हैं। तो सामने मेरे लेफ्ट हैंड की तरफ आपको दिखाऊं तो मैं अभी लेफ्ट हैंड की तरफ भी काफ़ी सारे स्पॉटेड डियर देखने को मिल रहे हैं। तो देखते हैं अभी इन्हें भी और आपको दिखाता हूं फ़ोन का बैक कैमरा ऑन करके। तो काफ़ी दूर तो है मगर फिर भी एक कोशिश तो कर ही सकते हैं कि आपको इन्हें दिखा सकें। तो करता हूं मैं अपना फ़ोन का बैक कैमरा ऑन गाइस। सामने इस जगह पर है, सामने ये जगह है, इस जगह पर अभी काफ़ी सारे हैं तो ये ज़रा देखते ही नहीं। ये देखिए गाइज इसमें काफ़ी छोटे छोटे बच्चे भी हैं। देख रहे हैं जो बच्चा था वो डर के भागने लगा है। ये देखिए जो बच्चे हैं डर रहे हैं अभी। दो तो काफ़ी छोटे से बच्चे हैं इस जगह पर। और सामने जंगल से भी अभी आवाज़ आ रही है एनिमल्स के चलने की। तो अभी इस जगह पर काफ़ी सारे एनिमल्स आ चुके हैं बट अभी बाहर की तरफ नहीं निकल रहे हैं। और ऊपर सामने लंगूर भी है तो ये चीज़ें तो हैं यहाँ पर। सामने ये देखिए अभी स्पॉटेड डियर। तो अभी हम धनगढ़ी तक तो नहीं गए क्योंकि हम धनगढ़ी से पहले ही वापस आ रहे हैं, क्योंकि नीचे की तरफ मतलब गांव की तरफ मेरे अभी काफ़ी ज़्यादा एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं। तो चलो अभी चलते हैं उस जगह पर जब तक अंधेरा नहीं हुआ है। अंधेरा हो जाएगा तो फिर एनिमल्स को देख पाना काफ़ी कठिन हो जाता है। तो चलो गाइस आगे की तरफ चलते हैं। तो अभी रात के समय देखिए किस तरह से ये जो साइड में सड़क के रेडियम वाली लाइटें सी लगी हैं जो कि लाइट पड़ते ही चमकती हैं, तो ये थोड़ी सड़क भी हमें दिखा देती हैं कि हाँ
कितनी चौड़ी सड़क है और किस जगह तक आप अपनी गाड़ी को लेकर जा सकते हैं। तो इस जगह पर भी अभी स्पॉटेड डियर हैं, देख रहे हैं, इस जगह पर स्पॉटेड डियर हैं, थोड़ी दूर है तो इसलिए आपको इस जगह पर रुक के नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि अभी ग्रास और स्पॉटेड डियर का कलर सेम सेम सा हो रहा है। जब इस जगह पे ग्रास थोड़ी हरी हो जाएगी ना तो फिर काफ़ी मज़ा आएगा एनिमल्स को देखने में, क्योंकि एनिमल्स ग्रास के लिए आएंगे और ग्रास हरी होगी और एनिमल्स का कलर आपको पता है कि ब्राउन सा है और स्पॉट हैं, जैसे कि वाइट कलर के स्पॉट्स बने हुए हैं स्पॉटेड डियर में, तो थोड़ी काफ़ी अच्छा मतलब दृश्य देखने को मिल जाता है। सामने इस जगह से भी आवाज़ आ रही है यार, आ रही है सामने, इधर भी सावर डियर था ना अभी, और ये देखो ये आग लगी हुई है इस जगह पे। ये आग तो ऐसे भी लग जाती है क्योंकि जब गाड़ियाँ चलती हैं तो गाड़ियों से जो हवा आती है वो इस आग को जला देती है। तो अभी ये जो आग लगी है ये तो फॉरेस्ट वर्कर की देख रेख में ही लगी हुई आग है, और इस आग को जैसे कि राइट हैंड की तरफ इधर पूरा अंदर की तरफ काफ़ी डीप ये जंगल है, तो इस जगह की तरफ आग नहीं फैलनी चाहिए, अगर इस जगह की तरफ आग फैल गई तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो जाएंगी और जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। चले गए ना वो, देखो मैंने कहा था ना हमें देखने को नहीं मिलेंगे, अगर हम उसी समय उन्हें नहीं देखते तो फिर वो हमें नहीं देखने को मिलते। अब टाइम हो गया है काफ़ी ज़्यादा, हाँ अभी कोसी तक जाएंगे ना, अब पूरी रात भर कोसी तो नहीं रुकेंगे, खैर ये पानी वानी पियेंगे फिर गांव की तरफ आ जाएंगे। ये देखिए सामने इस पेड़ के पास में दिखाई दे रहा है एक सांवर डियर, एक नहीं दो तीन है, तो अभी ये निकलने वाले हैं इस जगह से रिवर साइड में। तो गाइस ये देखिए अभी प्लांट के सामने एक सांवर डियर इस जगह पर है, ठीक है, और सामने एक इस जगह पर है, देख रहे हैं, ये तो भाग गया आगे की तरफ और सामने से हो रही है अभी पिकॉक की कॉल। तो गाइस फाइनली अभी प्लांट के पास में आ चुके हैं और इस जगह से अभी आपको पिकॉक की कॉल भी सुनाई दे रही होगी, तो इसी के साथ आज हमें काफ़ी सारे एनिमल्स देखने को मिले हैं। बाकी थोड़ी एक सैड न्यूज है कि जंगल में थोड़ी आग भी लग रही है तो उससे कहीं ना कहीं एनिमल्स को खतरा होता ही होता है, कई बार ऐसा होता है कि जो छोटे पक्षी हैं वो भी आग से, ये देखिए अभी आग के लपेटे में आ जाते हैं, कंटिन्यूसली कॉल हो रही है पिकॉक की, तो कई बार ऐसा होता है जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जो पक्षी हैं वो भी झुलस जाते हैं आग से, तो उनकी भी मौत होने के काफ़ी ज़्यादा चांस होते हैं और जंगल को तो खतरा होता ही होता है, जो नए पेड़ हैं वो नहीं हो पाते हैं और पुराने ही पेड़ रह पाते हैं, बट जंगल में खतरा हो जाता है उससे। तो अभी कंटिन्यूसली इस जगह से पिकॉक की कॉल हो रही है, देख रहे हैं सामने से इस जगह से अभी पिकॉक की कॉल हो रही है,
तो गाइज अभी कॉल तो हो ही रही है, तो अभी करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त और मिलते हैं आपको फिर से एक नेक्स्ट कंटेंट में। उम्मीद है कि आपको आज का कंटेंट ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको आज का कंटेंट पसंद आया तो आप ज़रूर कमेंट में बताएं आपको कैसा लगा ये कंटेंट। तो जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइज़।